हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नर्सिंग स्टडी आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल की तो बॉडी में कितनी रेंज में कोलेस्ट्रॉल लेवल होना चाहिए और डेंजरस किस रेंज में होगा हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए और एट रिस्क कितना माना जाता है तो पूरी डिटेल में हम जानेंगे आज कोलेस्ट्रॉल लेवल के बारे में तो जब भी आप कोलेस्ट्रॉल लेवल आप पढ़ते हैं या आप अपनी रिपोर्ट्स में देखते हैं तो आप इसमें एल डी एल एंड एच डी एल भी आप पढ़ते हैं कि नॉर्मल एल डी एल कितना होना चाहिए एच डी एल कितना होना चाहिए तो पहले हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल होता क्या है एल डी एल क्या है एच डी एल क्या है तो सबसे पहले जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल होता क्या है कोलेस्ट्रॉल इज़ अ वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस दैट फाउंड इन ऑल द सेल इन योर बॉडी तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक वैक्सी यानी कि एक मोम के जैसा और एक जैसे कि फ़ैट कलेक्ट हो जाता है एक जगह पे इस तरह का एक सब्सटेंस होता है जो बॉडी के हर एक सेल में बॉडी के जो बॉडी है बॉडी में क्या है सेल प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर ये इकट्ठा हो जाता है एक तरह का एक सब सबस्टांस है जो कि फैट की तरह दिखता है वैक्सी होता है और हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है योर लीवर मेक कोलेस्ट्रॉल एंड इट इज़ आल्सो इन सम फूड सच एज़ द मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जो हमारा लीवर है वो कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करता है ठीक है इसके अलावा हमें जो आउटसोर्स से भी यानी कि बाहरी फूड से भी हमें मिलता है जैसे कि मीट है या फिर डायरी प्रोडक्ट्स है यानी कि दूध या फिर दूध से बने प्रोडक्ट्स से भी हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है योर बॉडी नीड सम कोलेस्ट्रॉल टू वर्क प्रॉपरली यानी कि हमारी बॉडी को uh, कोलेस्ट्रॉल लेवल को uh, की ज़रूरत होती है एक नॉर्मल फंक्शन करने के लिए बट हैविंग टू मच कोलेस्ट्रॉल इन योर ब्लड राइज योर रिस्क ऑफ कॉर्नरी आर्टरी अगर बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रोल लेवल की जो मात्रा है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है तो ये हमारे हार्ट पर इफेक्ट कर सकता है यानी कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ कोज कर सकता है ठीक है तो ये होता है कोलेस्ट्रोल यानी कि क्या है एक वैक्सी और फैट लाइक सब्सटांस होता है जो हर एक बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होता है यानी कि हमारा जो सेल जो लीवर है उसकी प्रोडक्शन करता है और ये हमें बाहरी प्रोडक्ट्स भी मिलता है जैसे कि मीट है या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स है और ज़्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल की मात्रा हो जाती है तो ये हमें कॉर्नरी हार्ट डिजीज कॉज कर सकता है अब हम बात करते हैं व्हाट इज एलडीएल एंड एचडीएल एलडीएल एंड एचडीएल आर द टू टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन ठीक है यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है हाई डेंसिटी है तो ये एक तरह के लिपोप्रोटीन है दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैट एंड प्रोटीन तो एच डी एल और एच डी एल डी एल और एच डी एल क्या है एक तरह के कॉम्बिनेशन है फैट और प्रोटीन का द लिपिड्स नीड टू बी अटैच टू द प्रोटीन सो दे सो दे कैन मूव थ्रो द ब्लड यानी कि जो लिपिड्स होते हैं तो लिपिड्स जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं चिपक जाते हैं प्रोटीन के साथ और ये ब्लड के साथ जो है वो मूव हो जाते हैं यानी कि जैसे ब्लड का फ्लो होता है उसके साथ ये मूव हो जाते हैं एल डी एल एंड एच डी एल है डिफरेंट पर्पज़ यानी कि एल डी एल और एच डी एल का दोनों का ही अलग अलग फंक्शन है दोनों का ही अलग 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 जो है वो पर्पस होता है बॉडी के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं एल डी एल क्या करता है और एच डी एल एल डी एल स्टैंड फॉर द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ठीक है यानी कि एल की फुल फॉर्म क्या है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इट इज़ समाइम कॉल द बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं एल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं बिकॉज अ हाई एल डी एल लेवल लीड टू द बिल्ड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन योर आर्टरी तो इसे हम बैड कोलेस्ट्रोल क्यों कहते हैं क्योंकि ये आर्टरीज में जाकर के ये जम जाता है यानी कि एक तरह से फैट जो है वो कलेक्ट होकर के आर्टरीज में एक तरह से वो ब्लॉक कर देता है आर्टरीज से जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो होता है आर्टरीज़ में वो नहीं हो पाता है और आ, हार्ट डिजीज जो है वो कोज होनी शुरू हो जाती हैं इसलिए से बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है क्यों क्योंकि ये आर्टरीज़ को ब्लॉक करना शुरू कर देता है एच को हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रोल क्यों एच डी एल स्टैंड फॉर द हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ठीक है तो एच डी एल की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर हाई डेंसिटी लिपर प्रोटीन इट इज़ अ सम टाइम कॉल द गुड कोलेस्ट्रॉल यानी इसे हम गुड कोलेस्ट्रोल भी कहते हैं बिकॉज इट कैरीज द कोलेस्ट्रोल फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी बैक टू लीवर योर लीवर देन रिमूव द कोलेस्ट्रोल फ्रॉम योर बॉडी यानी कि एच डी एल को हम एक गुड कोलेस्ट्रोल क्यों कहते हैं क्योंकि ये क्या काम करता है जो जो एल डी एल जो जमा हो जाता है आर्टरीज के अंदर ये उस जमे हुए वैक्स को उस फैट को बैक टू लीवर ले जाता है यानी कि अपने फ्लो के साथ ये उस जमे हुए फैट को या फिर एलडीएल को कह लीजिए उसको ले जा के यानी कि ब्लड के फ़्लो के साथ लीवर की तरफ ले जाता है और लीवर जो है उसे रिमूव कर देता है हमारे बॉडी से बाहर इसलिए इसे हम कहते हैं गुड कलेस्ट्रोल ठीक है यहाँ तो एच uh, जितना जो है अच्छा होता है बॉडी के लिए क्योंकि ये हमारे जो जमे हुए जो फैट हैं जो वैक्स हैं जो आर्टरीज में जमा हो जाते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है तो ये होता है एलडीएल एंड एचडीएल ठीक है एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं एल डी एल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं क्योंकि ये हमारे आर्टरीज़ को ब्लॉक कर देता है ठीक है या क्योंकि वहाँ पर ये वैक्स uh, लाइक -like या फैट लाइक -like जो है वो एक तरह से बिल्डअप करना शुरू कर देता है जिससे आर्टरीज वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है या फिर ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है और एच डी एल जैसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं ये उस जमे हुए फैट को वैक्स को रिमूव करने में हेल्प करता है तो अब हम जानते हैं कि नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए एक बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रोल लेवल की तो यहां पर आप देखेंगे जो कोलेस्ट्रॉल की रेंज जो डेंजरस है आपकी बॉडी के लिए यानी कि अगर टोटल कोलेस्ट्रोल लेवल जो बॉडी में 240 240 है या फिर उससे ज़्यादा है बॉडी में कोलेस्ट्रोल लेवल की मात्रा उससे क्या होगा कि आर्टरीज ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं जिससे हार्ट डिजीज़ कोज हो सकती है और इसलिए इसे डेंजरस माना गया है अगर 240 है या फिर इससे ज़्यादा है एल डी एल कोलेस्ट्रोल एक सौ साठ या फिर इससे ज़्यादा है तो इसे बैड माना जाएगा डेंजरस माना जाएगा और एच डी एल अंडर फोटी है मेल के अंदर अंडर फोर्टी है और फीमेल के अंदर अंडर फिफ्टी है तो इसे डेंजरस माना जाता है रिस्क पर किसे माने जाए माना जाएगा यानी कि आप जो है कोलेस्ट्रोल लेवल के नॉर्मल से ज़्यादा है या फिर कम हो रहा है या फिर एट रिस्क आप हैं ठीक है यानी कि आपको ध्यान रखना है जो स्टेज कोलेस्ट्रोल लेवल की है कि कहीं हाई ना हो जाए उसको आपने नॉर्मल कब करना है इस स्टेज पर आकर के आपने एट रिस्क वाली स्टेज पर आकर के आपने अपने कोलेस्ट्रोल लेवल को नॉर्मल करना है अगर टोटल कोलेस्ट्रोल लेवल जो है वो दो से दो है ठीक है इसे आपने नॉर्मल रेंज में करना है क्योंकि ये एट रिस्क पर है एल डी से वन और या फिर एच जो है वो 40 से 59 के बीच में मेल के भी मेल में होगा और फिफ्टी टू फिफ्टी फीमेल में होगा और हेल्दी एक किसे कहते हैं जो आपने अपने माइंड में रखना है हेल्दी कोलेस्ट्रोल यानी कि एक नॉर्मल हेल्दी बॉडी में कोलेस्ट्रोल लेवल की जो मात्रा है टोटल कोलेस्ट्रोल अंडर 200 होना चाहिए 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अंडर 200 होना चाहिए एलडीएल होना चाहिए अंडर 100 और एचडीएल होना चाहिए हायर देन 60 हो सकता है नहीं तो मिनिमम जो है 60 होना चाहिए उससे ज़्यादा हो तो बेस्ट है अच्छा होता है तो ये होता है हेल्दी कोलेस्ट्रोल लेवल तो ये हमने आज जाना है क्लस्टर लेवल के बारे में तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा कुछ क्वेरीज़ हो तो कमेंट कीजिएगा तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग